कि ऐसा कुछ है। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृहमंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा। ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये उसा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है, और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए, केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे, सबकी सेवा कर रहे, समदृष्टि से सबको देख रहे, सबके पास जा रहे, सबसे बात कर रहे शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा, सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही, उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा, सक्रियता कुशलता दिखानी पड़ेगी। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।